हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आज की वीडियो में हम भरवा हरी मिर्च बनाएंगे, जो देखने में तो अच्छी लगी रही हैं, बाकी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बड़ी वाली हरी मिर्च ले लेंगे, इन्हें अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से साफ़ कपड़े से सुखा लेंगे इनको। उसके बाद हम इन्हें बीच में से चीरेंगे, पूरी नहीं काटनी है, एक साइड से हम इसे बीच में से चीरेंगे। एक एक करके हम ऐसे ही सारी मिर्चों को ऐसे ही काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी मिर्ची अब रेडी हो चुकी हैं। ऐसे इस तरीके से हम इन्हें बीच में से चीर लेंगे। अब इतना करने के बाद हम इसका मसाला रेडी करेंगे। एक पैन लेकर उसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। जीरा अपने मिर्च के हिसाब से लें, मसाला उसी हिसाब से रेडी करना है। उसके बाद साबुत धनिया, अब इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्के से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है इसको। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसे चॉपिंग बोर्ड पर डाल के ठंडा करेंगे। इसे ठीक से फैला लेंगे ताकि ये ठीक से ठंडी हो जाए। अब इसको बेलन की सहायता से पीस लेंगे। पीसना नहीं है, बारीक नहीं पीसना, थोड़ा हल्का दरदरा सा कूट लेंगे हम इसे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। अब एक इसे प्लेट में डाल लेंगे। अब इसमें और मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च, फिर हल्दी पाउडर, उसके बाद नमक, फिर आमचूर पाउडर डालेंगे हम इसमें। फिर इसमें थोड़ा सा पका हुआ तेल मिक्स करेंगे हम, ताकि ये मसाला थोड़ा बाइंड हो जाए, अच्छे से भर पाए, चिपक पाए मिर्चों में। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम इन्हें मिर्च, इस मसाले को हम मिर्च में भरेंगे, धीरे धीरे करके ढंग से अच्छे से मिर्चों में भरना है मसाले को, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक एक करके सारी मिर्चों में इस मसाले को अच्छे से फिल कर लेंगे। तो हमारी मिर्ची रेडी हैं। आप चाहें तो इन्हें तेल को गरम करके, उसे ठंडा करके उसमें ऐसे भी डाल सकते हैं। और अगर इंस्टेंट करना हो तो एक पैन लें, उसमें तेल गरम करके उसमें पहले अजवाइन डालें और एक एक करके अपनी मिर्च उसमें डाल दें। अब धीरे धीरे लो फ्लेम पर उसको फ्राई करें। हम ऐसे करके इसमें अपनी सारी मिर्चों को डाल देंगे। अब धीरे धीरे इनको पकाएंगे। फ्लेम लो रखें फ्रेंड्स, ताकि हमारी मिर्ची जल ना जाए। तो फ्रेंड्स, ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सुना पराठों के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है मिर्चें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।